अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज हम आए हैं जी वन डॉलर शॉप। आपको पता ही होगा हर सिटी में अवेलेबल है। यहाँ पे जितना डॉलर का रेट होता है उतना ही चीज़ों की प्राइस होती है। जैसे कि आज का रेट है 170 और 170 की आपको हर चीज़ मिलेगी। आप कुछ भी लो आपको 170 का मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं मेकअप, क्योंकि लड़कियों की कमज़ोरी है तो हम सबसे पहले मेकअप सेक्शन में आए हैं। तो ये थे जी आई ग्लिटर और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे और 170 में अगर आपको मिल रहा है तो क्या ही बात है। बिगनर्स जो हैं वो यहाँ से मेकअप लेके मतलब जो सीख रही हैं लड़कियाँ वो यहाँ से मेकअप लेके प्रैक्टिस वगैरह कर सकती हैं और उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि महंगे मेकअप से स्टार्ट करने से बेहतर है कि बंदा पहले ऐसे मेकअप से स्टार्ट करे। ये देखें यहाँ पर ये है हाइलाइटर। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि देखें अगर हम ये एक पैलेट जो है जैसे हाइलाइटर पैलेट कोई भी आई शेडो पैलेट 170 में हमें मिल रही है तो बहुत ही कमाल की बात है यार। और काफ़ी आई शेड यहाँ पे थी जो वो बहुत ही पिगमेंटेड थी, जैसे कि ये क्रीम आई शेडो है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी बहुत पिगमेंटेड होते हैं आपको पता ही है और 170 में आपको मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये ए पी के की बीबी क्रीम थी, ये भी आपको 170 में मिलेगी और ए पी के की जो बीबी क्रीम है वो मेरे ख्याल से इससे महंगी है, 250 या 350 की है आई थिंक। उसके बाद ये बहुत सारी फाउंडेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है, पैनकेक वगैरह। फाउंडेशन में आपको कलर जो है कलर कलेक्शन जो है ना वो इतनी नहीं मिल सकती, सारे ही लाइट टोन थे। जैसे कि ये था मेकअप रिमूवर, ये भी आपको अगर 150 में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इनमें ना इतने कलर, आपको पता है चाइनीज़ की जो स्किन होती है ना वो लाइट टोन होती है और सारे ही जो फाउंडेशन वगैरह थी वो लाइट टोन की थी, मतलब कलर में आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिल सकती। उसके बाद ये यहाँ पे ब्रशेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये टूथपिक मुझे बहुत अच्छी लगी, ये हम खरीद लेते हैं। ये 170 में अगर आपको मिल रही हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं जो कि अफोर्डेबल है, आप ले सकते हो। मेकअप में बहुत सारी वैरायटी है जैसे कि आप देख सकते हो। सिर्फ मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यार फाउंडेशन वगैरह में जो कलर है ना वो इतने ज़्यादा नहीं थे। हमारी स्किन जो है वो एशियन स्किन थोड़ी डार्क ही होती है और यहाँ पे सारी फाउंडेशन लाइट थी, जैसे कि चाइनीज़ की स्किन होती है उनकी लाइट ही होती है ज़्यादातर और लाइट फाउंडेशन थी। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे, जैसे कि ये लिप टिंट है और ये भी आपको 170 में अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ को ये टेस्ट नहीं करने दे रहे थे, वरना मैं आपको टेस्ट करके हर चीज़ दिखाती कि कैसी ये चीज़ें हैं। आप सस्ता मेकअप भी ट्राई करना चाहिए यार, जैसे कि लिपस्टिक, नेल पॉलिशेस, इस तरह की। अब ये देखें ये नेल पॉलिश मुझे कोई इतनी को कमाल लगी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैट नेल पॉलिश थी और यार इसका कलर आप चेक करें, बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच करेगा। इतना ये कमाल कलर था कि लगाए हुए पता भी नहीं चलता कि आपने कोई नेल पॉलिश लगाई है, और बहुत ही प्यारा ये कलर था और ये मैट थी। 170 में अगर आपको ये मिल रही है तो ये भी मुझे अफोर्डेबल लगी, काफ़ी अफोर्डेबल लगी। वही आप चेक करके यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद सकते हो यार जो आपको मार्केट से महंगी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको वही डॉलर के रेट में मिलेंगी, $1 के रेट में आप यहाँ से वो ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कलर थे नेल पॉलिश में और ये तो कमाल ही कलर था, आप देखें बिल्कुल आपकी स्किन के साथ मैच होता है आप, और पता भी नहीं चलता आपने नेल पॉलिश लगाई हुई है, बहुत प्यारा ये कलर था। आगे चलते हैं हम, साथ साथ आप लोग देखते जाओ और इन्जॉय करो। यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे और अगर 170 में आपको कोई भी अच्छा डेकोरेशन पीस मिल जाता है तो काफ़ी रीज़नेबल है यार, बहुत रीज़नेबल है। और अब हम आ जाते हैं इस सेक्शन पे, यहाँ पे किचन एसेसरीज़ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें किचन में बहुत ज़रूरत होती है और हर चीज़ जैसे कि 170 की है और काफ़ी रीज़नेबल है, जो कि मार्केट से काफ़ी सस्ती है। जैसे कि यह पिज़्ज़ा कटर देखें 170 का,
और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किचन की हैं जो कि हमें जिनकी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत। और यहाँ पे 170 की है और बच्चों के टॉयज़ ये भी 170 के हैं। इनकी क्वालिटी थोड़ी लो थी, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन बच्चों के लिए ठीक थे। बच्चों ने एक दो दिन खेलना होता है, बाद में पता भी नहीं होता उनके टॉयज़ किधर हैं और किधर नहीं, बस तोड़ ताड़ के वो पड़े होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए ठीक थे, उनके खेलने के लिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, ये मैं आपको पहले बता दूँ। उसके बाद और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें अगेन किचन की, और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं कि जो कि आप हैरान हो जाते हो कि 170 में आपको किचन की एसेसरीज़ मिल रही हैं। बहुत अच्छा है यार, कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी रिजनेबल लगी यहाँ पर, जैसे कि आप ये नाइफ वगैरह देख रहे हो, सीजर वगैरह देख रहे हो, जिनकी किचन में काफ़ी ज़रूरत होती है। और 170 में ये हेयर कटिंग के लिए भी आपको इस सीज़र की ज़रूरत होती है, और ये 170 की नहीं मिलती मार्केट से, क्योंकि मैंने खुद ख़रीदी हुई है, ये तकरीबन 350 की इतने की मिलती है। और ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यार, ये शावर वगैरह लेते वक्त हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम शावर जेल डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी पे मसाज भी हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा था, ये बहुत प्यारी चीज़ मुझे लगी। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखें, इसकी भी हमें किचन में बहुत ज़रूरत पड़ती है, बर्तन वगैरह वॉश करते वक्त, ये भी एक अच्छी चीज़ थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको किचन की यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं और कम प्राइस में, वही बात है। यहाँ पे घर को क्लीन वगैरह करने के लिए भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, बेबी वाइप्स पड़े हुए हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह पड़े हुए हैं। ये बॉडी स्प्रे मैंने नहीं चेक किए, पता नहीं ये किस तरह के थे या इनकी क्वालिटी कैसी थी, इसका मुझे नहीं पता। और ये भी एक अच्छी चीज़ थी घर को क्लीन करने के लिए, अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है तो ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली नाइफ़। ये नाइफ़ मुझे बहुत कमाल की लगी, कटिंग बोर्ड के लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये आई थिंक मार्केट में तो 170 की नहीं मिलती, कटिंग बोर्ड वाली नाइफ़ थोड़ी महंगी ही मिलती है। स्पून बच्चों के लिए ये भी बहुत अच्छे मुझे लगे, जो जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो मैं ख़रीदती जा रही हूँ, जैसे कि ये आइसक्रीम स्पून थे, इनकी भी घर में हमें बहुत ज़रूरत होती है। ये मेडिसिन बॉक्स था, ये भी काफ़ी अच्छा था। ये स्पून तो मुझे बड़े ही क्यूट लगे बच्चों के लिए, आइसक्रीम स्पून ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे। और उसके बाद एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्यूट से कुशन बच्चों के, ये जो कुशन थे ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगे, बच्चों के बिस्तर पे रखे हों या वैसे भी आपने घर में रखे हों, बहुत ही क्यूट लगते हैं। ये बहुत कमाल के थे और हर किस्म के पड़े हुए थे, कार्टून्स में हर किस्म के कार्टून्स में पड़े हुए थे। ये देखें ये कितना क्यूट है, बहुत ही प्यारे, ये बहुत ही खूबसूरत थे, ये मुझे बहुत क्यूट लगे। 170 में अगर आपको ये कुशन मिल रहा है तो ये भी आई थिंक काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी ज़्यादा। बर्तनों में भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत वैरायटी थी, लेकिन जो बर्तनों की प्राइस थी ना, वो मतलब मुख्तलिफ प्राइजेस में बर्तन थे, 170 कुछ 170 का के थे और कुछ आई थिंक 200 या 250 इस तरह थे, लेकिन मार्केट से ना रीज़नेबल थे। ये आप देखें जी, ये बॉटल देखें, वाटर बॉटल, और ये शावर बॉटल है, ये मुझे बहुत क्यूट लगी, छोटी सी थी, ये आप सलोन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या आप अपने घर में भी रख सकते हैं, उसके लिए भी आपको घर में भी ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की। ये बड़ी क्यूट सी चीज़ थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे मुझे $1 शॉप का विज़िट करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें थी और कुछ चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल भी थी, जैसे ये बच्चों के लंच बॉक्स थे, ये भी बहुत प्यारे प्यारे थे और ये आई थिंक 250 के थे, 250 के थे, 170 का नहीं था। कुछ थे छोटे जो थे वो 170 के भी थे और कुछ 200 के थे, लेकिन ये भी आई थिंक मार्केट से सस्ते ही थे, क्योंकि मार्केट में 350 का अच्छा लंच बॉक्स या इससे महंगा ही होगा, इससे कम नहीं आपको मिलेगा। वही मैंने आपको पहले ही बताया, बर्तनों के जो रेट थे ना वो मुख्तलिफ थे। यहाँ का विज़िट करके मुझे बहुत ही मज़ा आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे इंस्टा पे भी प्लीज़ फॉलो करें, सेम यही आईडी है व्लॉग्स बाय ज़रीश, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।
और एक दफ़ा आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, आपको यहाँ आपके मतलब की हर चीज़ मिलेगी। वन डॉलर शॉप आई थिंक हर सिटी में जो है ना वो मौजूद है। ये जैसे ये देखें, ये आइस क्यूब्स ट्रे है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। बहुत सारी चीज़ें आपको आपके मतलब की मिल जाती हैं, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। मुझे तो यहाँ पर आके बहुत मज़ा आया और बहुत सारी शॉपिंग भी की मैंने। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना मैं आपको शॉपिंग भी दिखाती। आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।